नमस्कार गाइस, मैं अमित, आपके अपने YouTube चैनल अमित जॉब सब्जेक्ट में आपका स्वागत करता हूँ। सो गाइस, मैं आज आपके लिए फिर से एक नई जॉब सब्जेक्ट लेके आ चुका हूँ। सो गाइस, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ जो वैकेंसी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सो गाइस, वो वैकेंसी होने वाली कंप्यूटर ऑपरेटर की। वो गाइस, आप कई कमेंट आ रहे थे कि सर कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी पर एक वीडियो लाइए, तो मैं आपको यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी पे एक वीडियो लेके आ चुका हूँ। सो गाइस, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, योग्यता यहाँ पे केवल 10th एंड 12th यानी 10+12वीं पास की भी यहाँ पे मांगा है। और मैं आपको यहाँ पे स्थान भी बता दूँ, तो गाइस यहाँ पे कानपुर और लखनऊ में जो काम करना चाहता है, कानपुर या लखनऊ के पास में रहता है और वहीं से काम, मतलब वहीं काम करना चाहता है, तो गाइस उसके लिए एक सुनहरा मौका है। सैलरी भी यहाँ पे 13,000+ रखी है गाइस। अनुभव की बिल्कुल जरूरत नहीं है गाइस, आपको यहाँ पे अंग्रेजी की भी जरूरत नहीं, केवल हिंदी आपको लिखना बोलना और पढ़ना आना चाहिए, इतनी ही बात यहाँ पे रखी हुई है। सो गाइस, वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच करना, इसमें मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा। सो गाइस, यदि कोई दिक्कत या समस्या होती है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। यदि गाइस आपको वीडियो अच्छा लगे तो गाइस इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, क्योंकि हम आपको डेली नई नई जॉब्स यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। जो वैकेंसी देखना है, यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे किसी भी सर्च इंजन में आ जाना हो। यहाँ पे आपको सर्च करना है सेवा योजन, ठीक है। आप यहाँ पे अपने अनुसार लिख लेना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेवा योजन या सेवा योजना, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही लिखा जाएगा तो गाइस आपको यहाँ पे वही चीज़ सर्च कर देनी है, ठीक है। जैसे ही हम उसको सर्च करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे की ओर, स्क्रॉल करेंगे जो गाइस सबसे पहले वेबसाइट जो हमें दिख रही है, जो सबसे पहले वेबसाइट दिखेगा इस पर हमें पहले क्लिक कर देना है। तो इसी पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही गाइस इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा वेबसाइट लोड लेगी और नए पेज पे हमें रिडायरेक्ट कर देगी। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें इस वेबसाइट ने नए पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले इस एरो के निशान से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको यहाँ पे जो कटस वाला निशान दिख रहा है, इससे पहले इस सूचना को कट कर लेना। जैसे ही मैंने कट किया गाइस, सबसे पहले यहाँ पे कट करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे एक आपको यहाँ पे सर्कल में दिखाई दे रहा आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स, इस पर क्लिक कर देना गाइस। इस पर पहले ही जैसे ही हम क्लिक करेंगे, फिर से वेबसाइट अपने नए पेज पे ले जाएगी। तो थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा नेट स्लो होने के कारण थोड़ा कम वर्क कर रहा है, ठीक है। जैसे ही गाइस हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो भी वैकेंसी गाइस वो अभी अपडेट तो नहीं हो रही, खैर, लेकिन यहाँ पे जो भी रोजगार मेले के जरिए वैकेंसी चल रही है वो तो मैं आपको यहाँ पे बता ही सकता हूँ, तो ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना गाइस, यहाँ पे आपको रोजगार मेला नौकरियाँ यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं आपको यहाँ पे तीर के निशान से बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे गाइस। जैसे ही क्लिक करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे और वेट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो गाइस हमें जो वैकेंसी जिस यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पे वैकेंसी नज़र आ रही है। तो गाइस सबसे नीचे चला जाना हमें गाइस, जिस वैकेंसी के बारे में मैंने बताया है, मैं गाइस उसी के पास ले जाता हूँ। यदि गाइस आप अपनी आईडी में भी लॉगिन करके देख सकते, कोई भी दिक्कत नहीं। तो गाइस आपको यहाँ पे जो 5वें नंबर का पेज है, इस पर पहले क्लिक करेंगे। तो गाइस हम 5वें नंबर वाले पेज पर यहाँ पे चले जाते गाइस। जैसे ही हम 5वें नंबर वाले पेज पे चले जाएंगे, तो यहाँ से देख सकते हैं गाइस जो वैकेंसी थोड़ा इसमें अप टू डेट होता रहता है, तो इधर से उधर हो सकता है। तो गाइस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इस वेबसाइट मतलब जो भी जॉब बताऊंगा तो उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गाइस, जो यहाँ से हट चुकी है। तो अब मैं आपको 6वें नंबर वाले पेज पर लेके चलता हूँ। तो गाइस जैसे ही मैं यहाँ पर 6वें वाले नंबर वाले पेज पर लेके चलता हूँ, तो गाइस जो मैंने आपके लिए वीडियो में बताया है गाइस, तो मैं उसको यहाँ पर बता देता हूँ गाइस, तो वो यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। यह वो वैकेंसी है गाइस, यहाँ पे जो यहाँ पे अब रिक्ति का वितरण देखेंगे इस जॉब को, मतलब इस कंप्यूटर ऑपरेटर, यहाँ पे ऊपर लिखा है सुपरवाइजर स्टॉक कीपर कंप्यूटर ऑपरेटर। तो रिक्ति का वितरण पे हमें यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही गाइस रिक्ति के वितरण पे क्लिक किया, फिर से हमें जो पूरी डिटेल निकल के सामने, यहाँ पे सारी की सारी डिटेल निकल के आ चुकी है। सो गाइस कुछ नहीं करना, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो कंपनी का नाम है या जो संस्था है जिसको जो टेंडर दिया है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं आसानी से, मैनकिंस हेल्थ केयर सर्विस, ठीक है। आप यहाँ पे पदनाम भी देख सकते हैं, सुपरवाइजर स्टॉक कीपर कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। अब आगे आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे पोस्ट करने की तारीख भी आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पे तारीख भी मेंशन कर रखी है, 19/5/2023 को यहाँ पे रिक्ति पोस्ट की गई थी। इसमें आवेदन आप यहाँ पे 27/5 तक ही कर सकते हैं, ठीक है। वैकेंसी यहाँ पे देख सकते ओनली 38 वैकेंसी है। यहाँ पे योग्यता यहाँ पे देख सकते गाइस, 10th हाई स्कूल और इंटरमीडिएट रखा है। ऑन रोल रिक्ति यानी आपको डायरेक्टली भर्ती गाइस सीधे इंटरव्यू के तौर पर वैकेंसी होने वाली है। स्टो बाक रहने वाला है। योग्यता में आपको हिंदी चाहिए, महिला पुरुष दोनों यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सैलरी बता दूँ, तो गाइस यहाँ पे सैलरी काफ़ी अच्छी रखी है,
यहाँ पे वेतन सीमा 10 से 20 हज़ार मिनिमम है गाइस। आपको लेकिन फर्स्ट टाइम 13,670 रुपये देखने को मिलेगा। आयु भी आप यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से, आयु भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नहीं मांगी है, आयु यहाँ 18 से 45 वर्ष रखा है, ठीक है। शिक्षा का माध्यम हिंदी माध्यम रखा है। सबसे बड़ी बात होती है गाइस अनुभव की, तो यहाँ पे अनुभव बिल्कुल इन्होंने जीरो रखा है, अनुभव आवश्यकता नहीं है। स्थान बता दूँ कहाँ पे काम करना है तो आप वो भी देख सकते हैं, कानपुर और लखनऊ में आपको यहाँ पे काम करना है गाइस। जो वहाँ का है तो उसके लिए एक सुनहरा मौका है, इस सुनहरे मौके को नहीं छोड़िए। भाषा की मैं बात बता दूँ, भाषा कौन सी, तो गाइस मैंने हिंदी पहले ही बताया, यहाँ पे आपको बोलना लिखना पढ़ना और प्रभाव उसका आना चाहिए, ठीक। और आगे मैं बता दूँ गाइस यहाँ पे अनिवार्य प्रमाण पत्र, यदि आपके पास इस प्रकार मतलब जो आगे बताए जा रहे प्रमाण पत्र भी हैं तो ठीक है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक, ITI, डिप्लोमा, यदि यह प्रमाण पत्र है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। परीक्षा का प्रकार गाइस आपको यहाँ पर सीधे साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, सीधे इंटरव्यू बेस पर आपकी ये भर्ती होने वाली है, ना ही कोई परीक्षा है ना ही कुछ, ठीक है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कैसे होगा, तो गाइस 27/5 को यह मतलब इंटरव्यू रखा गया है, तो आप स्थान देख लीजिए किस स्थान पे आपको जाना है, तो गाइस वो भी आप आसानी से देख लीजिए। 27/5 को आपको कहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे मेला का स्थान राजकीय पॉलिटेक्निक ओरई, यह रोजगार मेला पूर्णतः निःशुल्क है, ठीक है। मतलब जो राजकीय पॉलिटेक्निक ओरई है गाइस, इस वहाँ पे इस रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा था, वहाँ जाके अपना मतलब आप वहाँ से इस जॉब को पूर्णतः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस मैं आपको यहाँ के आगे बता दूँ, तो गाइस जो सेम चीज़ मैंने पहले ही बताई है भाई, यहाँ पे भी लिखा है रोजगार मेला, ID रखी है यहाँ पे, प्रारंभिक दिनांक को अंतिम मैंने एक दिवसीय मेला लगने वाला है, तो यहाँ पे जिला स्तर जालौन, ठीक है, जिला स्तर जालौन रोजगार मेले का स्थान है राजकीय पॉलिटेक्निक और रही, ठीक है। रोजगार मेला बिल्कुल निःशुल्क है, ठीक है, ना ही कोई आपका चार्ज है ना कोई कुछ है, ठीक है। यहाँ पे गाइस यदि आवेदन करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन गाइस आपको वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली वहाँ से इंटरव्यू देके आपको डायरेक्टली जॉब मिल जाएगी। दी गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो गाइस इस वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस हमारा काम है आपको डेली नई नई जॉब से यहाँ पे अपडेट करना है। यदि गाइस आपको कोई दिक्कत समस्या होती है तो कमेंट में जरूर बताइए। गाइस मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ गाइस, आपके कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, किस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, गाइस हमें कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हम उसके अनुसार नई नई जॉब से यहाँ पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वैकेंसी लेके आ सकें। सो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।